नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। शनिवार को क्या उपाय करें जिससे आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाए? तो मनोकामना को पूरा करने के लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं। इस वीडियो को पूरा देख लेना और इसको शेयर भी कर देना। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो जाते हैं उसकी जानकारी आपको होती रहे। और धीरे धीरे पुराने लोग जो उस चैनल पर थे मेरे साथ जुड़े हुए, धीरे धीरे इस पर जुड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जितना हो सके उन तक वीडियो पहुंचाइए, अपने आसपास के लोगों के बीच शेयर करिए। शायद कोई ऐसा है जो छूट रहा है जिससे चैनल, तो वो जुड़ सके। बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। उपाय बहुत ही सरल सा है, शनिवार के दिन किया जाएगा, इसलिए इतना तो ध्यान रखना कि गलत काम करते हुए इस उपाय को नहीं करना है। सबसे पहले एक हफ्ते तो कायदे से रह लो और इसके बाद में फिर इस उपाय को करना। किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी शनिवार को आप इस उपाय को करिएगा, लेकिन उससे पहले आपका खुद का ठीक होना जरूरी है। अगर आप पाप करते आ रहे हैं फिर आप इस उपाय को करेंगे तो लाभ तो नहीं मिलेगा। करना क्या है, बहुत ही सरल सा है कि शनिवार के दिन शाम के टाइम पर इस उपाय को करेंगे। अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी धागा ले लेंगे और इसे जल में धो लेंगे। धोने के बाद इसे एक आम के पत्ते पर लपेट देंगे। उपाय शाम को किया जाना है, ध्यान रखना पत्ता पहले ही ले लेंगे। सूरज डूबने से पहले पत्ता तोड़ लेना है। उस पर आपने धागा लपेट दिया और अब इस धागे को लपेटा जैसा वैसे ही आम के पत्ते सहित इसको लेकर के जाइए किसी नदी के पास, किसी नहर के पास, जहाँ जल प्रवाह हो रहा हो ऐसी जगह पर ही जाना है। वहाँ ले जा करके इसे जल प्रवाहित कर दीजिए अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु मेरी ये मनोकामना है। जो भी आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना को बोलते हुए, जैसे मान लो कि आप चाहते हैं कि आप धन प्राप्त करें, ठीक है, आपके घर से गरीबी दूर हो, तो आप ये बोलते हुए कि हे प्रभु मेरे घर से गरीबी दूर हो, मेरी यही मनोकामना है कि मेरा परिवार सुखी हो, मुझ पर कृपा करें, ये बोलते हुए आप उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए और आपकी मनोकामना ये पूर्ण जरूर होगी। क्योंकि कोई भी मनोकामना जो लोक कल्याणकारी है, जन कल्याणकारी है, या आपके लिए स्वयं के लिए कल्याणकारी है लेकिन किसी और के लिए अनिष्टकारी नहीं है, तो वो पूर्ण जरूर होगी। करके देखिए, भगवान शनि की कृपा से जरूर पूर्ण होगा। कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखना और उनका जयकारा लगाएंगे तो प्रसन्न तो होंगे ही, तो उनका जयकारा लगाइए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।